हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न प्रोडक्ट डिजाइनिंग। तो गाइस, आज हम सीखेंगे ये फ्लेक्सिबल पाइप बनानी, लेकिन विद डिफरेंट मेथड। एक मेथड मैंने आपको बता दिया, उसमें ये सेकंड मेथड है। सिंपल भी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या, कुछ इसमें कमांड है ऐसे जो शायद आपको ना पता हो, पता हो तो आपने उसे यूज़ ना किया हो, तो उसी तरीके से है ये। तो जैसे इसको मैं वेरी करता हूँ तो हमारी पाइप भी वेरी होगी। ठीक है जी, ये पाइप है हमारी। अगर मैं इसको इस लाइन के अलोंग रिप्लेस करता हूँ, जैसे इस लाइन है, इसको रिप्लेस करता हूँ बाय दिस लाइन, तो ये इसके अलोंग रिप्लेस ऐसी हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व में नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज ये बनानी सीखेंगे हम बिल्कुल सिंपल मेथड से। जो भी मैंने किया है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये स्केच मैंने वैसे रेफरेंस के लिए, ताकि इसके अंदर बनानी है, वैसे डेटम का भी कोई काम नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है, हम जाएंगे सबसे पहले कर्व में, स्टूडियो स्प्लाइन लेंगे, डिग्री 3 कर देता हूँ मैं, बाय पोल लेंगे, व्यू हम ठीक है प्लेन कोई नहीं लेंगे, व्यू डायरेक्शन में लेंगे, ये सिंगल सेगमेंट, ये हो गया हमारा कर्व। इसको थोड़ा नीचे, इसको ऊपर, वैसे मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, ओके, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, जो मैंने लास्ट में बताया था स्ट्रेट कैसे हुआ था, वो इसके कारण हुआ था, कंपोजिट कर्व के कारण। तो एक कंपोजिट कर्व लेंगे, ये वाला हम एसोसिएटिव, ठीक है ओके। अब बाकी चीज़ें ये हाइड कर देते हैं, ये अभी फिलहाल हमारे कोई काम की नहीं है। अभी ये कर्व हो गया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे हम। अब बस देखते जाओ, होम एक्सट्रूड में जाएंगे। अब हमारे पास कोई स्केच होना चाहिए ताकि हम इसको एक्सट्रूड कर सकें। तो उसके लिए या तो यहाँ क्लिक करो, या अपने माउस का मिडल बटन प्रेस कर दो। अब यहाँ दो ऑप्शन है, ऑन प्लेन, ऑन पाथ। ऑन पाथ लूँगा मैं, ये पाथ होगी। ठीक है जी, अब एंड पॉइंट पे लाने के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ। डायरेक्शन उस तरफ है तो डायरेक्शन में जेड की इस तरफ ले आता हूँ, नॉर्मल टू प्लेन है ही। थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ ताकि इधर का ट्रिम कर दूँ। ओके, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ मैं 22 का दायरा। ठीक है जी, अब एक्सट्रूड में सिमेट्रिक, चलो 8 ले लेते हैं, इसमें ड्राफ्ट भी सिमेट्रिक दे देते हैं। ओके, 35 का सही लग रहा है। ठीक है जी, ठीक है ओके। अब क्या करना है दोस्तों, अब रेडियस दे देते हैं यहाँ पे, एज प्लेंट। यहाँ पे क्या लेंगे हम, बॉडी फेस, या तो हम एक एक करके सबको सेलेक्ट करेंगे, या बॉडी फेस लेंगे तो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है जी, अब क्या करते हैं इसको, पैटर्न इंसर्ट, पैटर्न ज्योमेट्री, ये सिलेक्ट करेंगे, अलोंग अलोंग दिस लेंगे। ठीक है जी, पैटर्न में अलोंग दिस पाथ सिलेक्ट करेंगे, ये पाथ सिलेक्ट कर ली, और इसमें ले लेते हैं हम पिच एंड स्पैन। ठीक है जी, ये 100 डिग्री लेंथ, पिच हमारी 3 है, सही है। ओके, अब इसको यूनाइट करेंगे। यूनाइट के लिए यूनाइट में जाएंगे, पहले बॉडी सारी,
ओके ठीक है जी। अब यहाँ रेडियस दे देते हैं, रेडियस इसमें लेंगे हम फीचर इंटरसेक्शन एज, एक क्लिक कर देंगे, सारे ऑटोमेटिक सिलेक्ट। ओके जी, अब क्या करेंगे, ट्रिम कर देता हूँ मैं तीन तीन। ओके ओके, अब सेल कर देता हूँ दिस दिस, ठीक है जी। यह होस पाइप हमारी बन गई है, फ्लेक्सिबल पाइप, ये भी एक तरीका दोस्तों बनाने का। अब क्या करेंगे, जैसे ये स्टूडियो में तो जाके जो भी हम थोड़ी बहुत इसकी लेंथ वगैरह चेंज करना चाहें तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा चेंज, ठीक है जी। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रेट कैसे किया था मैंने। स्ट्रेट के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे कर्व में, ठीक है जी, एक लाइन बना देता हूँ मैं सिंपल सी। ओके इसको हम इसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो इसको मूव कर देता हूँ मैं कंपोजिट कर्व के पीछे। अब ये कंपोजिट कर्व का इसी के कारण बनती है दोस्तों ये, जैसे अब मैं रिप्लेस करूँगा ये दिस लाइन टू दिस। ओके ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक तरीका है। अगर मैं वापस उसके ऐसे बनाना चाहता हूँ तो सिर्फ इसको रिप्ले वापस रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस दिस लाइन टू दिस कर्व। ओके ठीक है जी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।